गुड मॉर्निंग इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और हमने एक डिटेल आपको उसके बारे में एनालिसिस बताया था और हमने जो कट ऑफ बताई थी वो राइटली बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई, जिससे आप पूरी तरह से अवगत हैं। एक बार फिर से मैं दोस्तों, क्योंकि इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज थी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल हो, कॉन्स्टेबल मेल फीमेल हो और IRB कॉन्स्टेबल हो, तो उनकी सभी की कट ऑफ मैंने आपको पहले रिलीज कर दी थी और लाइव सेशन में भी आपको बताता आया हूँ। लेकिन जब मेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद में दोस्तों ऐसी संभावनाएं और कुछ ऐसा अंदेशा हो रहा है कि इस मेल कॉन्स्टेबल के रिजल्ट का जो फ़र्क है सबसे ज़्यादा पड़ेगा IRB कॉन्स्टेबल के रिजल्ट पर। और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आपके PST में क्लियर हुए वो मेल कॉन्स्टेबल में, और फाइनली 5000 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें ही फिलअप होनी थी। अब कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से IRB की जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताई थी उसमें डिक्रीजन होगा, और कितना होगा, कैसे होगा, उस सभी बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। इस वीडियो में चर्चा करेंगे IRB की अब फ्रेश एनालिसिस और कट ऑफ क्या रहेगा, फीमेल कॉन्स्टेबल और फीमेल SI का अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मेल का, तब तक कोई एनालिसिस दोबारा से नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि SI में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, फीमेल कॉन्स्टेबल हो चाहे मेल का रिजल्ट आए, चाहे मेल SI हो, इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। IRB में ज़रूर उसका एक फ़र्क पड़ने वाला है और वो कौन कौन से कारण हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो IRB की कट ऑफ हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आपके सामने IRB मेल कॉन्स्टेबल की ये कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक ठीक तरीके से आपको सब कुछ बताया है IRB मेल कॉन्स्टेबल की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि पहले हमारा जम्पशन 65-67 जनरल कैटेगरी के लिए, SC के लिए 60, BCA के लिए 62 और BCB के लिए 64 था, और ये है आपके कैटेगरी वाइज एक्स सर्विसमैन के। ये कारण, इसके पीछे कारण था क्योंकि IRB अगर मेल का हम दोस्तों एग्ज़ाम की बात कर लें तो कंपेरेटिवली आसान था मेल कॉन्स्टेबल और जो SI का एग्ज़ाम था, इससे आप एग्री करेंगे, ये आसान था और बिल्कुल लोगों ने अटेम्प्ट भी ज़्यादा किया। साथ में जो रिटर्न मार्क्स की आपकी कट ऑफ इनकी गई थी IRB की, वो सबसे ज़्यादा रही थी रिटर्न की भी। अब दो फैक्टर्स तो ये हो गए कि कट ऑफ ज़्यादा जानी ही थी, लेकिन साथ में IRB की वैकेंसी आपकी सिर्फ 500 है। अब IRB की वैकेंसी ही 500 है, अगर ये रिजल्ट पहले डिक्लेयर होता सपोज कीजिए, या फिर साथ में ही डिक्लेयर होता कॉन्स्टेबल और ये सारे रिजल्ट, तो डेफिनेटली इस कट ऑफ से नीचे नहीं जाने वाली थी कहीं भी कट ऑफ। लेकिन क्योंकि अब रिजल्ट जो है वो बाद में डिक्लेयर होगा, और बाद में डिक्लेयर होने का मतलब ये है दोस्तों कि एक अजम्पशन है, हम अपनी उस बात पर जा सकते हैं, उस क्राइटेरिया को देख सकते हैं जो अपनाया गया था ग्रुप डी से मेल कॉन्स्टेबल की रिगार्डिंग। ग्रुप डी में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई या नेम आ गया या वेटिंग में है, उनको हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल में नो जॉब वाले मार्क्स नहीं दिए गए हैं, 5 मार्क्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। और अब एक ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन इसी अगर क्राइटेरिया के हिसाब से हम चलेंगे तो डेफिनेटली हरियाणा मेल कॉन्स्टेबल में जिनको जॉब मिल गई है, डेफिनेटली उनको आगे SI में, और फिर आगे अगर बात कर ले तो इसमें नहीं मिलेगी IRB मेल कॉन्स्टेबल में, तो डेफिनेटली 5 आपके मार्क्स कम होने हैं। अब दोस्तों एक और बात है कि टोटल 2443 कैंडिडेट ही आपके IRB मेल कॉन्स्टेबल के बच्चे थे जो कि PST क्लियर किए थे जिन्होंने। अब इनका PMT के अगर हम 101 आदमी और मान लें, या 143 आदमी मान लें कि PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं कम हुए, तो आपके पास 2300 कैंडिडेट बचते हैं। और जो मेल कॉन्स्टेबल क्लियर हुए हैं, मैं ये समझता हूँ ज़्यादा ना मानकर, अगर हम इसमें ये माने भी 50% भी मेल कॉन्स्टेबल और IRB कॉन्स्टेबल सेम है, तो आपके पास पीछे डाटा बचता है 1100 कैंडिडेट का। अब 1100 कैंडिडेट में आपको 500 कैंडिडेट लेने हैं, और दोस्तों होगा क्या कि अब ये 1100 कैंडिडेट कोई भी बच सकते हैं IRB में, क्योंकि IRB और मेल कॉन्स्टेबल में डेफिनेटली कोई भी कंटेंडर है वो मेल कॉन्स्टेबल को सिलेक्ट करने वाला है, और जब मेल कॉन्स्टेबल को सिलेक्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं करके, चलिए 1100 का आंकड़ा भी छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि 1500 कैंडिडेट आपके फ्रेश रहेंगे, बाकी 700-800 कैंडिडेट मेल कॉन्स्टेबल में चले जाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा रहेगा। हो सकता है ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स चले जाएं, हो सकता है 1000 बचें, हो सकता है एज़ पर नंबर बचें,
अब क्योंकि रिजल्ट तो उनका भी देना है, जो कॉन्स्टेबल में कैंडिडेट थे उनको फाइनल यहाँ भी रिजल्ट देना है, तो इससे डेफिनेटली जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। और जब आपका कंपटीशन ही दो या तीन गुना है सारा, 500 कैंडिडेट के लिए सपोज कीजिए कि आपके बचे कैंडिडेट खैर 2300 हैं, अब 2300 से अब 4.5 गुना आपका अगर कंपटीशन है और इसमें भी 5 नंबर अगर मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट्स के कम हो रहे हैं तो कट ऑफ डाउन जाएगी और 5 नंबर के आसपास ये कट डाउन हो रहा है। तो दोस्तों एक एजम्पशन तो ये है कि मेल कॉन्स्टेबल को जब ज्वाइनिंग हो जाएगी या मार्क्स नहीं दिए जाएंगे 5 नंबर वाले तो ये कट ऑफ कहाँ रहेगी। बहुत कम वैकेंसी के लिए एक एनालिसिस करना थोड़ा अब इस सिचुएशन में मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक परफेक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम जब तक हमारे पास आंकड़ा ना हो। ये बहुत एक मतलब ढलान के हिसाब से नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर 500 वैकेंसी देख लें और IRB का एग्ज़ाम देख लें तो इस एनालिसिस के हिसाब से हमारे पास जो आंकड़ा जुट रहा है अब वो फाइनल कट ऑफ आपकी जनरल की 59 से 62 के बीच में कहीं रहेगी, SC की 53 से 54 के बीच में, BCA की 56 से 57, BCB 58, एक्स सर्विसमैन जनरल 43, SC 30, BCA 35 और BCB 40 मार्क्स। ये हमारा एनालिसिस है DESM में। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को चांस मिलेगा, अगर जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ा तो डेफिनेटली आपको स्कोर ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो अब फाइनली इसके बाद में मैं IRB कट ऑफ को रिवाइज़ नहीं करने वाला, कुछ आंकड़ों को देखते हुए ये कट ऑफ रिवाइज़ की है, कुछ फैक्टर्स को क्रॉस चेक करते हुए ये कट ऑफ दोबारा से जारी करने की कोशिश की है मैंने। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेता हूँ और इसमें मैं आपको ये बताने, ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में ये तो थी हमारी मेल कॉन्स्टेबल से पहले की, अगर रिजल्ट साथ में आ जाते या IRB का पहले आता तो डेफिनेटली ये कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली थी, यही रहती। अब क्योंकि मेल कॉन्स्टेबल का पहले आ गया और 5 नंबर नो जॉब वाले कट डाउन होंगे IRB मेल कॉन्स्टेबल के, तो आपकी कट ऑफ जो है अब आप जो ब्लू इस दायरे में देख रहे हैं वो रहेगी, यानी जनरल 59 से 62, SC 53 54, BCA 56 57, BCB 58, एक्स सर्विसमैन जनरल 43, SC 30, BCA 35, BCB 40। हालांकि हमारा मेल कॉन्स्टेबल का एनालिसिस 100% परफेक्ट रहा था, उम्मीद करते हैं कि आपके सहयोग से आपने जो डाटा प्रोवाइड करवाए हैं उससे ये एनालिसिस भी परफेक्ट साबित होगा। IRB मेल कॉन्स्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल और फीमेल कॉन्स्टेबल की कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हमारे वीडियो चैनल पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, धन्यवाद।